लगभग या देख सकते हैं 10.5 एम्पियर आ रहे हैं। ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का दोस्त स्वागत है। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सूरज हमारे ठीक सामने है और ये पूरब दिशा है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है। इधर से सूरज निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जो है जो मौसम है वो काफ़ी कोहरे जैसा है, धुंध सी है, आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ी धुंध ही है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ पैनल से कितने एम्पियर आ रहे हैं, ये हम चेक करने वाले हैं। तो छोटे वाले जो हमारे पैनल है इनका एम्पियर भी मैं आपको बताऊंगा चेक करके कितना एम्पियर आ रहा है। और ये 165 वाट के दो पैनल कनेक्ट हैं, इनका कितना एम्पियर आ रहा है। आज की वीडियो में इन्हें जिस स्थिति में है यानी कि ये गंदे हो रहे हैं इसी से एम्पियर चेक करेंगे, और नेक्स्ट कल या परसों हम इनको साफ कर, मतलब कि शाम को हम साफ कर देंगे और कल हम देखेंगे इनको साफ करके, बिल्कुल कल सुबह परसों सुबह जब ये साफ होंगे तब कितने एम्पियर बनेंगे। ठीक है, धूप जो है काफी है लेकिन जो है इसमें इतनी गर्मी नहीं है, इतनी पावर नहीं है, मौसम भी क्लियर नहीं है, फिर भी हम चेक करेंगे। पैनल आप देख सकते हैं कोई खास डायरेक्शन पे नहीं है, फ्लैट रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ना, डस्ट भी हो रही है, फिर भी हम चेक करेंगे दोनों पैनल की बारी बारी से एम्पियर, शॉर्ट सर्किट एम्पियर हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से लाइन आ रही है, 165 वाट के दो पैनल पैरेलल में हैं और एम्पियर चेक करते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट एम्पियर कितने आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा अपना डिजिटल एम्पियर मीटर, 4.8 एम्पियर आप देख सकते हैं। ठीक है, 4.9 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर बन रहा है। पैनल हमारे डस्टी हैं यानी कि गंदे हो रहे हैं इस वजह से भी है, और दूसरा कि पैनल हमारे एंगल पर भी नहीं है। ठीक है, इसलिए फ्लैट लगे हैं इसलिए ऐसा है। तो 5 एम्पियर आ रहे हैं और अब हम देखते हैं छोटे वाले पैनल से कितना एम्पियर बन रहा है। तो ये वाला जो है सोलर एनर्जी सिस्टम यहाँ पर आ रहे हैं, जो छोटे वाले पैनल है 2 50 वाट के और 1 40 वाट के पैनल पैरेलल में, उनकी जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट है वो देखेंगे। ये कनेक्ट करा हमने तो ये आ रहा है लगभग, यह दे सकते हैं 2.18 एम्पियर। ठीक है, 2.2 एम्पियर शॉर्ट सर्किट एम्पियर ये आ रहा है जो छोटे वाले पैनल, क्योंकि अभी मॉर्निंग के 8 है, सुबह के 8 बजे तो इतने एम्पियर नहीं आते हैं, करीबन 10 बजे से एम्पियर बूस्ट हो जाएंगे ये और तब जो है काफी ज्यादा एम्पियर आएंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि 8 बजे ये जो है स्थिति, ये कंडीशन रहती है सोलर पैनल से इतने एम्पियर आते हैं। अभी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 11। ठीक है, 11 बज रहे हैं और मौसम साफ हो गया है, देख सकते हैं कहीं कोई जो है मौसम क्लियर है, और पैनल हमारे फ्लैट लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी सनलाइट आ रही है। ठीक है, प्रॉपर जो है सूरज की लाइट इस पर आ रही है। ठीक है, लेकिन पैनल फ्लैट है, 11 बज रहे हैं सुबह के, देखेंगे कि एम्पियर हमारे अब कितने पहुंच गए। मैक्सिमम एम्पियर जो है वो 12 बजे के बाद आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एम्पियर देखते हैं कितने आ रहे हैं, दोनों ही सिस्टम के देखेंगे, छोटे वाले के भी और बड़े वाले, छोटे सोलर पैनल की भी देखते हैं एम्पियर और बड़े सोलर पैनल की। तो अब यहाँ पर अगर हम एम्पियर देखते हैं, पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव में कनेक्ट करता हूँ, तो लगभग ये आप देख सकते हैं 10.5 एम्पियर आ रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पर देखें स्पार्किंग कितनी हो रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 20 वोल्ट की स्पार्किंग है, 20 वोल्ट 10 एम्पियर इसलिए ऐसा है, और लगभग ठीक है इस तरीके से 10 एम्पियर के करीब आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया 11:15 कुछ हो रहा है टाइम, ठीक है मॉर्निंग में, बाकी मुझे पता है कि 12 बजे बाद एम्पियर मैक्सिमम आते हैं और ये एम्पियर जो है 14 एम्पियर यानी 14 एम्पियर से ऊपर निकल जाते हैं। अब हम इसके चेक करते हैं, तो अब हम छोटे सिस्टम की देखें तो कितने आ रहे हैं,
चार एम्पियर आ रहे हैं। देखें ये आप देख सकते हैं चार सवा चार एम्पियर इसके आ रहे हैं, ठीक है 4.2 एम्पियर लगभग इसके आ रहे हैं छोटे वाले सिस्टम के। ठीक है तो इस तरीके से वीडियो है, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करिए, और लगभग 12 बजे के बाद 1 बजे के अराउंड 7 एम्पियर करीब इस वाले छोटे सिस्टम से आ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।